आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए प्रत्याशी के पास नामांकन के लिए 3 और 4 अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन पहले ही दिन नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाग्य आजमाने उतर रहे प्रत्याशियों के पास पर्चा दाखिल करने के लिए 4 अप्रैल तक का समय है। इसीलिए पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है वहां नामांकन केंद्रों पर पर्चा भरने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में जिन 18 जिलों में वोट डाले जाने हैं वहां पर आज से पर्चे दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी पहले चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा आज से यहां पर भी नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज कानपुर नगर में भी प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे, जिनमें 81 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल है जिन्होंने बीडीसी सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। महिला का कहना था कि गांव में विकास नहीं होने की वजह से उन्होंने इस उम्र में खुद चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन प्रयागराज में पर्चा भरने वालों की भारी भीड़ दिखी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। शहर के अंदर ही ये कैंपस है, कुल 84 पद हैं जिला पंचायत के, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल करने का काम शुरू किया गया है। इस वक्त हम जिला पंचायत कैंपस में ही मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर्चे दाखिल करने के लिए आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का यहां पर सख्ती से पालन कराए जाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल जो उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी व्यवस्थाएँ संतोषजनक कही जा सकती हैं और उम्मीदवारों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। वहीं जौनपुर में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज की नौबत आ गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज 18 जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, रामपुर, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, हरदोई, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, भदोही, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और जौनपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों में 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन पंचायत 75 में अब चलिए जमीनी हकीकत को जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पर्चा भरने की प्रक्रिया संपन्न हुई। डिटेल लेने के लिए हम रुक करेंगे हमारे दो सहयोगियों का। हमारे साथ जुड़ेंगे आगरा से नितिन उपाध्याय और हमारे साथ जुड़ेंगे वाराणसी से नीतीश। तो चलिए काशी से शुरुआत कर लेते हैं, नीतीश के पास आते हैं। नीतीश, बताइए कैसा रहा माहौल, सब कुछ ठीक ठाक हो गया? चलिए माफी चाहेंगे, नितिन के पास चलते हैं, रुक करते हैं नितिन का। नितिन, आप बताइए आगरा से सारी ठीक ठाक रिपोर्ट है? दस उसका कहा जाए, उसकी एक लोकप्रिय चुनाव होता है, 1-to-1 कांटेक्ट होता है और यही वजह है कि इस समय जबरदस्त तरीके से ग्रामीण इलाकों में एक उत्सव सा माहौल है। और आज और कल नामांकन का दौर है और आज बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो संबंधित ब्लॉक पहुंचे। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य पद पर जो भी लोग खड़े हुए हैं उन्होंने आज नामांकन किया है, कल भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का नामांकन हो रहा है, तो 3 और 4 को ये 2 दिन की ये प्रोसेस है। 4, 5 और 6 को इन नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 7 तारीख को नाम वापसी का दिन है और 3 बजे के बाद जितने भी जो सिंबल हैं, जो बैलेट पेपर पर जो सिंबल आने वाले हैं वो संबंधित उम्मीदवारों को उनको अलॉटमेंट किया कर दिया जाएगा। और इसको लेकर पूरी तरह से आज सुबह से ही देखने को मिला कि कलेक्ट्रेट परिसर में बाहरी गेट पर ही किसी भी 4 पहिया वाहन को रोक दिया गया, कोई भी व्यक्ति असलहे के साथ प्रवेश नहीं कर सकता था, कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा था, बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं थी, जो जो सिक्योरिटी रिचुअल है, बड़ी संख्या में ये भी देखने को मिला कि महिला उम्मीदवार वहां अपना नामांकन कराने पहुंची हैं। हां हां, अच्छा कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए जी। देखिए
ये भी एक बहुत ही हास्यास्पद कहा जाए या इसका दूसरा पहलू है कि महिलाओं की भागीदारी। देखिए कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, 33% आरक्षण है, वो अपना नामांकन कराने पहुंची, उनसे बात की जब एबीपी गंगा ने तो उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन दूसरा उसका कमजोर पहलू ये भी है कि कई जगह ये भी देखने को मिला कि जब उन्होंने बात की कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं तो वो अपने पति की ओर इशारा करती हुई नजर आई। तो कुल मिला के ये ग्रामीण भारत का चुनाव है, काफी इंटरेस्टिंग चुनाव है, व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा निर्भर करता है किसी पॉलिटिकल दल से ज्यादा। लेकिन इस समय देखने को मिल रहा है कि 2000 जिस तरह से आगामी साल इलेक्शन है और ऐसे में उसका सेमीफाइनल है, कहीं ना कहीं जो तमाम सही है। चलिए लखनऊ की रिपोर्ट लेंगे, शैलेश हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश देखिए, सब परिदृश्य हो सकता है समान हो, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कोरोना या फिर जो भी प्रक्रिया है वो कोरोना के साए में है। कैसी रिपोर्ट आई है, कहीं से उल्लंघन या किसी तरह की कोई अशांति? देखिए निश्चित रूप से स्नेहलता, इस समय क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में पहले ही निर्वाचन आयोग ने साफ निर्देश दे दिए थे इसको लेकर कि कहीं पर भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और इसे लेकर जितने जिलाधिकारी हैं, जो जिले में निर्वाचन के अधिकारी हैं, वो लोग पूरी शक्ति बरत रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है उसको मुस्तैदी से लगाया गया है और यही वजह है जहां पर भी प्रत्याशी जा रहे हैं उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति है और इस चीज का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा चुनाव इसको कह सकते हैं और अगर बात करें सिर्फ 2 दिन का वक्त है पहले चरण के नामांकन के लिए और 2.25 लाख से ज्यादा पदों के लिए नामांकन है, 2,27,000 से ज्यादा पद हैं अलग अलग, जिनमें ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो 15,000 के करीब पद आते हैं। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा पद की हम बात करते हैं तो वो आते हैं ग्राम पंचायत सदस्य के जो पद हैं उसकी बात करें तो 1,86,500 से अधिक पद उसमें है इसकी तरह से बाकी जो पद है। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी संख्या और उसके लिए आप सोचिए एक एक पद के लिए कितने कितने प्रत्याशी, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में आज पहुंचे थे क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त है। ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की ये कोशिश रही कि वो आज ही अपना नामांकन जो है वो नामांकन पत्र, नामांकन का जो पर्चा